हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आई होप आपको लास्ट सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जहां पर हमने एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में बात की। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट विच इज़ एक्स क्रोमोसोम एंड विच इज़ वाई क्रोमोसोम। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। लास्ट सेशन में मैंने आपको लिंक्ड जीन्स के बारे में कुछ बताया था, ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी आगे ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं, उन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, जो नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक अपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस, कॉलेज ग्रुप, क्लासेस ग्रुप में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और लिंकेज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लिंकेज का मीनिंग और फिर देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जहां पर आपके लिंक्ड जीन्स आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? होमोलोगस रीजन में। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस रीजन में होने के बाद भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो बिना क्रॉसिंग ओवर के आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम लिंकेज बोलते हैं। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। चलिए वीडियो ये आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। इस बात को से आप एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हमको ये चीज़ तो पता है कि क्रोमोजोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है? ऑल राइट, तो फर्स्ट पॉइंट वी अग्री विद इट कि सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। देर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोजोम। एज क्रोमोजोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोजोम्स को हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स है, और यही जीन्स क्या होते हैं? आगे वाले ऑफस्प्रिंग में कैरी होते हैं। सो क्रोमोजोम्स को हम कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स। ओके, सो क्रोमोजोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। दीज जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो क्रोमोसोम्स क्या कैरी कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, और ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे पास ऑन होती है। देखो यहाँ पर, देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है? इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर कैसे दिखाई देगी? हमको क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखो, दो क्रोमोसोम्स के बीच में हमको क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर आपका आपके होमोलोगस रीजन में जब जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब ये हमारे क्रोमोसोम का होमोलोगस रीजन है, जो क्यू आर्म वाला साइड होता है, जहाँ पर दोनों क्रोमोसोम का, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स का साइज सेम होता है, सेम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम होमोलोगस रीजन बोलते हैं, जहाँ पर सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो होमोलोगस रीजन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। होमोलोगस रीजन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन जो नॉन होमोलोगस रीजन है, जो अपर रीजन है, जो नॉन होमोलोगस रीजन है, जहाँ पर सेम जीन्स प्रेजेंट नहीं है, ये जो नॉन होमोलोगस रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। फिर भी यहाँ के कुछ जीन्स, यहाँ पर समझो ऐसे कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, ये जीन्स फिर भी आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने मिलेंगे। मतलब समझो अगर मैं इधर पे आपको लेबल कर दूँ, ये हो गया आपका कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल बी, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी। तो अगर मैं रुको, ये यहाँ पे ये आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। आपका जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे, देखो जो हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स थे, ओरिजिनल पेरेंट्स के नॉन होमोलोगस रीजन में, ओरिजिनल पेरेंट का ये नॉन होमोलोगस रीजन है, तो ओरिजिनल पेरेंट के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स प्रेजेंट थे, जो उस क्रोमोसोम के साथ एकदम अटैच्ड थे, एकदम टाइटली अटैच्ड थे, जिनको अलग किया ही नहीं जा सकता, तो उसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। तो ये जीन्स जो ओरिजिनल पेरेंट्स में प्रेजेंट थे, यही जीन्स हमको ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिल रही है। कहाँ पर देखने को मिल रही है? हमको हमारे ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो यहाँ पर जो कैपिटल ए कैपिटल बी था वो वैसा ही है, यहाँ पर जो स्मॉल ए स्मॉल बी था वो वैसा ही है। नीचे के जीन्स हालांकि एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब समझो, इमेजिन करो कि यहाँ पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू था, यहाँ पर स्मॉल पी स्मॉल क्यू था, तो नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो देखो ये वाला एरिया जो है वो एक्सचेंज हो गया है, ये वाला
वाला एरिया क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो जीन्स जैसे पेरेंट में थे ऑफस्प्रिंग में वैसे ही देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होता है, जो जीन्स पेरेंट के नॉन होमोलोगस रीजन में रहते हैं वो जीन्स इतने क्लोजली बाउंड होते हैं कि वो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी हमको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। सो सी, सच जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। मतलब एज क्रोमोजोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोजोम्स के ऊपर अलग अलग जीन्स हैं एंड दीज जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। बिना क्रॉसिंग ओवर के भी ये जीन्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो हमको ऑफस्प्रिंग में दिखाई देंगे, तो उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। मतलब ये जीन्स क्रोमोसोम के साथ इतने टाइटली अटैच्ड होंगे कि इनको अलग करना इम्पॉसिबल है। तो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी, क्रॉसिंग ओवर के वजह से तो आपको जीन्स देखने को मिलेंगी ही ऑफस्प्रिंग में, लेकिन बिना क्रॉसिंग ओवर के भी जो जीन्स आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलती है उन जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। और ये लिंक्ड जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? नॉन होमोलोगस रीजन में। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? नॉन होमोलोगस रीजन में। दिस टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। दो या दो से ज़्यादा जीन्स, यहाँ पर तो मैंने एक ही बताया हुआ है, तो दो या दो से, मतलब यहाँ दो बताया है, तो दो या दो से ज़्यादा जीन्स, कितने भी जीन्स हो सकते हैं जो क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पर अटैच होते हैं और ये इनहेरिट हो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आ जाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? पेरेंट्स से बच्चे में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं लिंकेज। ऐसे प्रोसेस को हम जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज। लिंक्ड जीन्स मतलब क्या होता है? जो जीन्स बच्चे के पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट है वही जीन्स बच्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सो दैट इज लिंक्ड जीन्स। ओके, बिना क्रॉसिंग ओवर के जो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं और उस ट्रांसफर वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। अच्छे से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन इसको कंफ्यूजन करो मत, इसको कंफ्यूजिंग करके बिल्कुल मत समझो। देखो, फिर से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये आपका एक पेरेंट का क्रोमोजोम है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका दूसरा पेरेंट का क्रोमोजोम है। ओके, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमको? हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये एक, ये दूसरा, यहाँ पर ऐसा क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और यहाँ पर ऐसा कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से जो जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं और ऑफस्प्रिंग में हमको जो नए जीन्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर अब इसके बाद क्या होगा? ये आपके पेरेंट क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ऑफस्प्रिंग में आपको एक ही, ये पेरेंट, ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा इमेजिन करो कि ये मेल क्रोमोसोम है ये फीमेल क्रोमोसोम है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर हमको कुछ एक ही सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर ऑफस्प्रिंग, ये आपका बच्चा है, ये आपका ऑफस्प्रिंग है। पेरेंट्स के क्रोमोसोम जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से जो क्रोमोसोम्स हमको बच्चे में मिलते हैं वो जीन्स, मतलब वो पेरेंट्स ने अपने जीन आपस में मिक्स कर लिए। क्या कर लिए? यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देती हूँ। ये पेरेंट्स ने अपने क्रोमोसोम्स के जीन को मिक्स कर लिया और एक पैर बच्चे के अंदर आया, तो यहाँ पर हमारे जायगोट में क्या दिखाई दे रहा है हमको कि पेरेंट्स से उसके अंदर मदर और फादर के दोनों के जीन्स मिक्स होकर बच्चे में आए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल फिनोमिनन, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। लेकिन बिना क्रॉसिंग ओवर के, बिना क्रॉसिंग ओवर के क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पर समझो, इमेजिन करो कि ऊपर पेरेंट्स के पास यहाँ पर ए ए, यहाँ पर बी बी, यहाँ पर सी सी, यहाँ पर डी डी, ऐसे कोई जीन्स रहे होंगे। तो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी अगर हमको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ए बी सी डी, तो पेरेंट्स में जो जीन्स थे वही जीन्स अगर मुझे बच्चे में भी देखने को मिल रहे हैं बिना, ऊपर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ऊपर वैसा ही वैसा है, सो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी मुझे जो जीन्स देखने को मिल रहे हैं बच्चे में, दैट जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स एंड द प्रोसेस ऑफ सच अ लिंकेज इज नोन एज लिंकेज। मतलब ये लिंक्ड जीन्स जिस तरीके से ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम लिंकेज बोलते हैं। इसको जितना खींचेंगे उतना कन्फ्यूजिंग लगेगा। आप इस वीडियो को, ये जो इतना पार्ट है, ये बार बार घुमा के देखो मैं क्या बोल रही हूँ। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? होमोलोगस रीजन में। होमोलोगस रीजन मतलब जहाँ सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ नीचे, यहाँ पर जीन्स ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स।
तो एक्सचेंज होने के बाद आपको ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब जब दो जीन्स मिक्स हो जाते हैं तो कुछ तीसरा नया प्रोडक्ट बनता है। तो मदर और फादर के कैरेक्टर मिक्स होके ऑफस्प्रिंग में नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होते हैं, फिर भी मदर और फादर से बच्चे में जाते हैं। तो ऐसे जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के बच्चे में देखने को मिल रहे हैं, उन जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और जिस प्रोसेस से वो आगे जा रहे हैं, जैसे ये प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोला हमने, तो लिंक्ड जीन्स वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। अब आगे आपको क्या बताया गया है, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स बाय बेट्सन एंड पुनेट। ये लिंकेज प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? प्लांट्स में पहले तो इनहेरिटेंस की स्टडी की मेंडल ने, और फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और उसमें नया कोई थ्योरी इंक्लूड किया बेट्सन और पुनेट ने। और एनिमल्स में देखो, प्लांट्स और एनिमल्स का फिनोमिनन डिफरेंट होता है, ओके? तो एनिमल्स के अंदर ये लिंकेज प्रोसेस किसने इंट्रोड्यूस किया? TH मॉर्गन ने। TH मॉर्गन का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है ये लिंकेज वाली थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, जिसके बारे में पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हम वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। आपको अगर लिंकेज का इंट्रोडक्शन समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज कंप्लीट लिंकेज एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर होने की मदद से एक्सचेंज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, लेकिन जो जीन्स बिना क्रॉसिंग ओवर के एक्सप्रेस होते हैं उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज मतलब क्या होता है, आपके क्रोमोसोम के साथ ये जीन इतने इतने नज़दीक अटैच है कि इसको आप अलग कर ही नहीं सकते क्रोमोसोम से। क्या बोल रही हूँ मैं, लिंकेज मतलब क्या होता है, आपके ये जीन्स आपके क्रोमोसोम से इतने स्ट्रांगली अटैच्ड हैं कि आप इनको अलग कर ही नहीं सकते, और अगर ये क्रोमोसोम बच्चे में जाएगा तो उसके साथ वो जीन भी जाएगा। दैट इज़ नोन एज लिंकेज। लिंक होना मतलब कनेक्टेड, स्ट्रांग बॉन्ड होना, जिनको आप अलग कर ही नहीं सकते हो। समझ में आई बात? एंड और वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, सो दैट इज़ लिंकेज। यहाँ तक समझा आपको पक्का? आप टाइप्स देखें, व्हाट इज़ कम्प्लीट लिंकेज एंड व्हाट इज़ इनकम्प्लीट लिंकेज। ऑल राइट, तो जैसे कि हमने देखा लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं। लिंकेज मतलब क्या होता है, लिंक्ड जीन्स विच ट्रांसफर इन ऑफस्प्रिंग्स विदाउट एनी क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब हमने जो देखा कि लिंक्ड जीन्स ऐसे नॉन होमोलोगस रीजन पर प्रेजेंट होते हैं जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी अपने कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके? तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज कंप्लीट लिंकेज एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड डू नॉट सेपरेट, मतलब किसी भी तरीके से वो जीन्स अलग अलग हो ही नहीं सकते, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, तो उन जीन्स को हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। सो द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, ओके? और इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर ऐसे कोई जीन्स हैं ए ए बी बी। तो अगर ऑफस्प्रिंग में ये जीन्स आपको एज इट इज़ देखने को मिल रही हैं, ओके? ऑफस्प्रिंग में अगर आपको ये दोनों सेम जीन्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था, ये कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स थी, मतलब इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस था ही नहीं। क्या बोल सकती हूँ मैं कि ये जीन्स कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स थे और इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस था ही नहीं। सो द जीन्स विच आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। समझो अगर मैं एक दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँ जिससे आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिले, तो समझो इमेजिन करो कि ऐसा कोई डी मॉर्गन का मैं एक्सपेरिमेंट मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इमेजिन करो इधर एक जीन है, इधर एक जीन है, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए। ऐसा इमेजिन करो कि इधर पे एक जीन है और इधर पे एक जीन है। तो देखो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ये क्रोमोसोम है। इमेजिन करो ये क्रोमोसोम है और ये जीन्स हैं। सो द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये लिंक्ड जीन्स जो एक दूसरे से नज़दीक अटैच्ड है, मतलब क्लोजली अटैच्ड है, ये क्रोमोसोम है और ये जीन्स हैं। तो ऐसे जीन्स जो एक दूसरे से बहुत नज़दीक अटैच्ड होते हैं, जिनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, वो जीन्स आपको ऑफस्प्रिंग में एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी? एज इट इज़, मतलब जैसे पेरेंट्स में थी वैसे ही ऑफस्प्रिंग में भी है। मतलब यहाँ पर पेरेंटल टाइप देखने को मिल रहा है, जैसे पेरेंट्स थे वैसा ही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चा देखने को मिलता है। तो यहाँ भी हमको कुछ उसी तरीके का फिनोमिनन देखने को मिलेगा। कंप्लीट लिंकेज मतलब जैसे जीन्स पेरेंट्स में थे वही जीन्स ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्लोज था, मतलब दोनों एकदम नज़दीक अटैच थे। सो द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड डू नॉट सेपरेट
और नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एंड दे इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे में, सो दे आर नोन एज कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स. उनको हम क्या बोलते हैं, ये जीन्स को हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम के ऊपर ये जो दो नज़दीक नज़दीक जीन्स अटैच्ड हैं इनको हम बोलेंगे कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स या स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स. और इस प्रोसेस को, मतलब ये जिस प्रोसेस से ये आगे बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कम्प्लीट लिंकेज. कम्प्लीट लिंकेज मतलब क्या हो रहा है, जितने जीन्स ओरिजिनल पेरेंट में प्रेजेंट थे क्रोमोजोम के ऊपर उतने ही जीन्स ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट हैं, वैसे के वैसे एग्जैक्ट कॉपी. सो दिस इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज के लिए एक कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, कि दोनों जीन्स एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. और इनकम्प्लीट लिंकेज में हमको क्या बताया गया है, ये जा रहा है द लिंक्ड जीन्स विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड. डिस्टेंटली मतलब क्या होता है, दूर दूर. देखो लिंक्ड जीन्स में ये भी क्रोमोजोम है और इन कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स के लिए ये क्रोमोजोम है. जैसे यहाँ पर दो जीन्स प्रेजेंट थे वैसे ही यहाँ पर भी दो जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर ये दोनों जीन्स नज़दीक प्रेजेंट थे, यहाँ पर ये दोनों जीन्स के बीच में देखो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है. सो द लिंक्ड जीन्स विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड दे हैव चांसेस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा, और अगर ये सेपरेट हो जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से हमको सेम जीन्स ऑफस्प्रिंग में नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऑफस्प्रिंग में क्या देखने को मिलेगा, फिर हमको हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग में पेरेंट का सिर्फ एक जीन देखने को मिले और दूसरा जीन किसी और पेरेंट का हो, मतलब ओरिजिनल पेरेंट का एक ही जीन आए और किसी दूसरे पेरेंट का दूसरा जीन आ जाए. तो जब ऐसा सिचुएशन होगा तो उसको हम बोलते हैं दे आर नोन एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स या वीकली लिंक्ड जीन्स एंड द फिनोमिनन, मतलब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि पेरेंट का एक ही जीन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ डिट्टो पेरेंट की कॉपी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको नए टाइप का ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा. सो देखो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, जब कंप्लीट लिंकेज होता है मतलब पेरेंट्स के जैसे जीन्स देखने को मिलते हैं, सो दस द पेरेंटल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ऑफस्प्रिंग. जब पेरेंट्स के जैसे जीन देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, हमको पेरेंट्स वाले कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर लेस रिकॉम्बिनेशन, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है. वेरिएशन मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा देखने को मिल रहा है, कुछ नया वेराइटी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीन्स आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट थे और इस वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल था, और इस वजह से जैसे पेरेंट्स में जीन प्रेजेंट थे वैसे ही जीन्स ऑफस्प्रिंग में आ गए. क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ होगा, होमोलोगस रीजन में. तो ये मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डिट्टो फादर के जैसा सन दिखाई देगा या मदर के जैसे डॉटर दिखाई देगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होंगी जो डिट्टो पेरेंट्स की बच्चे के अंदर जाएंगी, या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो डिट्टो पेरेंट्स के बच्चे में जाएंगे. सो उन कुछ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं लिंकेज, जो फादर में भी थे और बच्चों में भी देखने को मिल रहे, या जो मदर में भी थे और बच्चों में भी देखने को मिल रहे, तो उन कुछ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज. तो यहाँ पर क्या देखा हमने, लिंकेज होने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो जीन्स नजदीक होने चाहिए ताकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो सके. क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो इनहेरिट हो जाएंगे बच्चों के अंदर, और बच्चों के अंदर जब वो इनहेरिट हो जाएंगे तो आपको पेरेंट्स के जैसे ट्रेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स थे वैसे कैरेक्टर्स आपको बच्चे में देखने को मिलेंगे. तो इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ. रिकॉम्बिनेशन मतलब आपको नई वेराइटी नहीं मिली. इन एक्स क्रोमोसोम एक एग्जांपल दिया गया है कि आपका जो ड्रोसोफिला, जो मक्खी होती है एक टाइप की, उसमें से जो मेल ड्रोसोफिला होते हैं, मेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, देखो हमने पढ़ा ना कि मेल क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है. सो ड्रोसोफिला मस्किट, ड्रोसोफिला इंसेक्ट जो है उसके मेल क्रोमोसोम्स के ऊपर कंप्लीट लिंकेज हमको देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलती है, कंप्लीट लिंकेज, मतलब ड्रोसोफिला के मेल्स जो होंगे वो अपना पूरा जीन्स बच्चे को दे देंगे. क्या करेंगे, ड्रोसोफिला के मेल्स जो होंगे वो अपना पूरा जीन्स बच्चे को दे देंगे. सो इन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल्स दे शो कंप्लीट लिंकेज. और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल हम देखें, देखो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, पेरेंट्स का एक ही जीन ट्रांसफर हो रहा है, सो दस न्यू ट्रेट्स अकर इन ऑफस्प्रिंग. एक ही ट्रेट ट्रांसफर हुआ है, एक ही जीन ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए पेरेंट्स के जैसे सेम कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. सो न्यू ट्रेट्स अकर इन ऑफस्प्रिंग, दैट इज हाई रिकॉम्बिनेशन, मतलब नया वेराइटी, नया वेरिएशन देखने को मिलेगा. और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है हमको जी मेस का, दैट इज द कलर एंड शेप ऑफ द ग्रेन शो इन कम्प्लीट लिंकेज. जो आपका जी मेस जो होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप है, उस क्रॉप का जो आउटर कवर होता है, हस्क होता है, उसका कलर और शेप
शेप जो है, मतलब पेरेंट्स जो आप ओरिजिनल सीड लाओगे उसका कलर और शेप कुछ अलग रहेगा, और जो नया रिकॉम्बिनेंट आपको देखने को मिलेगा उसका कलर और शेप कुछ अलग रहेगा। सो इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज नहीं हुआ, यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ, मतलब पेरेंट्स के सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, बाकी नए कैरेक्टर्स आए। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कम्प्लीट लिंकेज। आपको पक्का यहाँ तक समझ में आया है 100%? लिंकेज मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लिंक्ड जीन्स जो बिना क्रॉसिंग ओवर के भी ऑफस्प्रिंग में देखे जाते हैं। लेकिन अगर सारे जीन्स ऑफस्प्रिंग में देखे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कम्प्लीट लिंकेज, मतलब कम्प्लीट ट्रांसफर हुआ है। और अगर कुछ लिंक्ड जीन्स ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुए हैं तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर लिंक्ड जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो कम्प्लीट लिंकेज होगा, अगर जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है लिंकेज ग्रुप्स के बारे में, देख लो क्या बताया है उसमें। ऑल द लिंक्ड जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? कि जितने भी लिंक्ड जीन्स होते हैं क्रोमोजोम के ऊपर जितने भी लिंक्ड जीन्स होते हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ऑल लिंक्ड जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम दे कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज करस्पॉन्ड्स टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब क्या बोला गया है? एग्जाम्पल सुनो तो आपको मतलब समझेगा। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिस मक्खी की हम बात कर रहे थे, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर हैज़ फोर लिंकेज ग्रुप दैट करस्पॉन्ड्स टू फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? कि जिस ऑर्गेनिज्म में जितने लिंकेज ग्रुप होंगे उतने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे। सो ड्रोसोफिला में अगर फोर लिंकेज ग्रुप है मतलब फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं, मतलब टोटल 8 क्रोमोजोम्स हैं ड्रोसोफिला में। गार्डन पी, आपका जो हरा मटर होता है, गार्डन पी हैज़ 7 लिंकेज ग्रुप, मतलब उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे? 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। मतलब अगर सिंगल क्रोमोजोम्स की बात करें तो कितने क्रोमोजोम्स होंगे? 14 क्रोमोजोम्स। पेयर मतलब जोड़ी, मतलब दो क्रोमोजोम मिलके एक पेयर बनाते हैं, तो 7 पेयर मतलब 14 क्रोमोजोम्स। तो कितने क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है ये कैसे पता चलेगा? लिंकेज ग्रुप की मदद से। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम्स हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर करके बताना है कि अगर हमारी बॉडी में इफ़ ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोजोम्स एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स तो हमारे अंदर कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं। क्या बोला मैंने? ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप है इसीलिए 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। गार्डन पी में 7 लिंकेज ग्रुप है इसीलिए 7 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। तो हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं तो कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ये आपका आज का टास्क है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और क्रॉसिंग ओवर का थ्योरी हम आगे के सेशन में देखेंगे। आज का वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। प्रीवियस सेशन देखना मत भूलिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दी है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करो, अच्छे से पढ़ते रहो, लिख कर प्रैक्टिस करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू, कीप स्टडिंग।